बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जी, मौसम में बहार हो और खूबसूरत परिंदों की आवाज़ ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने ये छोटी सी आवाज़ें आपके लिए रिकॉर्ड की ताकि आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल जो है वो मदर्स डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ में जो है ये ऑफिशियली सेलिब्रेट होता है, बल्कि कुछ कंट्रीज़ में तो इस दिन छुट्टी भी होती है। तो जी, हम भी कोई मुख्तलिफ़ जगह पे नहीं रहते, यहाँ पे भी बच्चों को सुबह से शाम तक बताया जाता है कि मदर्स डे आने वाला है, आने वाला है, माँ के लिए आपने उस दिन स्पेशल कुछ ज़रूर करना है। तो जी, हमारे बच्चे भी जो हैं वो थोड़े ब्रेन वॉश होकर घर आए और उन्होंने वीकेंड पे मुझे कहा कि आप आँखें बंद कर लें और हम हाथ पकड़ के आपको डाइनिंग टेबल तक ले जाएँगे और आपको आपका नाश्ता देंगे। तो नाश्ता आपने देख ही लिया, ज़ाहिर है जो बच्चे खाना नहीं पका सकते वो ऐसा ही नाश्ता आपके लिए सर्व कर सकते हैं। और जी, टेबल पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो गिफ्ट्स रखे हुए थे और हुसैन साहब जो हैं वो सुपर एक्साइटेड थे और बार बार कह रहे थे कि ये मैंने ख़रीदा है आपके लिए, ये मैंने ख़रीदा है आपके लिए। तो जी, हकीकत तो ये है कि अगर आपकी सुबह आँख खुले और आप किचन में नाश्ता बनाने आए और ऑलरेडी आपके लिए चाय तैयार हो, टेबल पे नाश्ता लगा हुआ हो और ख़ूबसूरत से गिफ्ट्स का ढेर हो, आपका इंतज़ार कर रहा हो, आपका मुंतज़िर हो कि आप आएँ और उन्हें खोलें, और प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि अम्मा को अपना रिएक्शन दें, बताएँ कि उन्हें ये सारा अहतमाम कैसा लगा, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, और ये सोच के बहुत मज़ा आया कि इन सारों ने मिल के जो है ये एहतमाम मेरे लिए किया। लेकिन इस चीज़ में मुझे एक एतराज़ है कि सिर्फ एक दिन के लिए जो है ना ये खातिर ख़िदमत नहीं होनी चाहिए। ये वाली ख़िदमतें जो है ना वो अपने प्यारों के लिए हर महीने होनी चाहिए, अगर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो हर 15 दिन में होनी चाहिए, और अगर बहुत ही मोहब्बत करते हैं तो हर वीकेंड पर तो होनी ही चाहिए। और सबसे मज़ेदार सरप्राइज़ जो है ना वो ये वाला गिफ्ट था, क्योंकि एक दफ़ा मैं कह रही थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान जाऊंगी ना तो ओल्ड लाहौर की कोई पिक्चर लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी बेटी ने जो है वो छुप के, आप सोचें कि मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम पर बैठ के उसने ये काम किया और उसने मेरे लिए ये पेंटिंग बनाई। लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई इस पेंटिंग को देख के। ज़ाहिर है बहुत कोई फ़ाइन और परफेक्ट किस्म की आर्टिस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और बादशाही मस्जिद तो मेरे दिल में बसती है। और जी, जब मेरे मियाँ साहब उठकर आए तो वो भी बड़े हैरान हुए कि बच्चों ने बड़ा ही एहतमाम किया हुआ है, बड़ा ही इंतज़ाम किया हुआ है, और अम्मा की फेवरेट सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं और चाय भी बनाई हुई है। और इस पूरे वाक्य में सबसे मज़े की बात यह है कि इस नाश्ते में कहीं भी मेरे मियाँ साहब का हिस्सा नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। तो इस पे जो है ना वो हमें बहुत हंसी भी आई और बड़ा मज़ा आया, और एप्पल और बनानास भी निकाल के धो के रखे हुए थे कि भाई अम्मा शायद ये खा लेंगी नाश्ते में। उसके बाद जो है मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। तो जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट उन्होंने भी मुझे दिया, देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ तक सब चीज़ें ठीक थी, मैंने बच्चों को जो है वो कहीं पे नहीं रोका और बड़ा इन्जॉय किया उनके साथ, और उन्हें बहुत खुश होकर थैंक यू कहा, प्यार किया, हग किया, ढेरों ढेर दुआएं भी निकली मेरे दिल से कि बच्चों ने जो है वो किस तरह से मिलजुल के टीम वर्क के साथ जो है बजट बना के इतना अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान किया। डेफ़िनेटली फ्यूचर में उनके लिए ये चीज़ें काम आएंगी। ज़ाहिर है प्लान करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है, और आपस में मिलजुल के इत्तेफ़ाक़ से काम करना ये बेसिकली टीम वर्क है। तो अच्छी बात है, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहरहाल, हर जगह हर दिन आपके पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, तो ये एक टीचिंग मोमेंट था। मैंने इन लोगों को इस बात को रियलाइज़ करवाया कि हमारे मज़हब में जो है वो नई नई इख्तराएँ पसंद नहीं की गई। तो ईद जो है वो हमारी सेलिब्रेशन है, उसको हमें मनाना चाहिए खुश होकर, और जो हम मनाते भी हैं और बहुत खुश होकर मनाते हैं और दूसरों को भी शामिल करते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई सा भी दिन, सिबलिंग्स का दिन, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, इसको किसी एक दिन तक महदूद नहीं करना चाहिए।
इनोवेशंस को जो है ना वो पसंद नहीं किया गया, खुसूसन मज़हब में, और दूसरे मज़हब से या दूसरे कल्चर से चीज़ें उठा के अपने मज़हब में शामिल कर देना ये भी दुरुस्त नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कल्चर का पार्ट है, ये मज़हब का पार्ट नहीं है, लेकिन आज से 50 साल बाद जो है ना यू नेवर नो कि ये किस चीज़ का पार्ट बन जाए। तो ज़रूर अपने बच्चों के अंदर जो है अच्छी वैल्यूज़ इंस्टिल करें, अपने मज़हब और अपने तौर तरीक़ों के बारे में बहुत डिटेल में उन्हें बताएँ। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप लोग आज सब मदर्स डे की खुशी में बाहर खाना खाने जाते हैं, आप चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं और मज़ेदार किस्म का खाना खाएं, तो हम ज़रूर चलेंगे और बड़ा अच्छा सा एक रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे, लेकिन उसकी जो पेमेंट है ना वो आप में से कोई नहीं करेगा, वो हम करेंगे। आपके पेरेंट्स आपको लेके जाएंगे और वीकेंड पे जैसे फैमिली टाइम गुजारते हैं हम उस लिए जाएंगे। बिल्कुल भी कहीं ये जहन में नहीं होना चाहिए कि आप मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हर दिन जो है वो मदर का डे होता है, हर दिन जो है वो फैमिली का डे होता है, हर दिन अच्छा करने का दिन होता है, ठीक है। अगर आपकी मदर्स हैं तो उनके लिए हमेशा अच्छा कीजिए, और अगर मदर नहीं है, कोई और मदरली फिगर है, दादी हैं, नानी हैं, मामी, खाला, चाची, ये सब के सब, फुप्पो, ये सब के सब जो हैं वो मदरली फिगर्स होते हैं, इन सब के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आपकी मदर की फ्रेंड्स हैं, उनकी कज़न्स हैं, उनके साथ आपको अच्छे से पेश आना चाहिए, उनके साथ हमेशा ही अच्छा करना चाहिए, तोहफ़े तहाइफ का तबादला करना चाहिए, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, उनकी मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए, अपनी खुशी और अपने गम में उनसे मशवरा लेना चाहिए। तो इस तरह की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अपने बच्चों के अंदर डालिए, और किसी एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो सख्ती से उन्हें रोकें भी और मना भी करें, ठीक है ना, ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी बातें सीख के ही बड़े हों और आगे की नस्लों में भी अच्छी बातें ही ट्रांसफ़र हों। तो जी किस्सा मुख्तसर, तो हम इस वीकेंड पे गए एक रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए जिसको हम बहुत दिनों से ट्राई करना चाह रहे थे, उसका नाम है रोज़ाना, और इस रेस्टोरेंट में जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना सर्व होता है, और बड़े ही दिनों से हमारा दिल था कि हम जाएँ और इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोर करें। ज़बरदस्त किस्म का इनका एम्बियंस था, और एक छोटा सा रोबोट है जो कि कैट की शक्ल का है, और वो आपका खाना लेकर आता है, और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, आपने हुसैन को देख ही लिया कि जब वो रोबोट रोटियां लेकर आया तो उसने कितने खुश होकर उसमें से रोटियां उठाई। तो बस जी ये सारे जो हैं वो शशके इस रेस्टोरेंट को जो है वो थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं। जहाँ तक खाने की बात है तो खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा था और माइल्ड था, जिस तरह के चटपटे और चटखारेदार खाने खाने की हमें आदत है ना, उससे थोड़ा सा जो है आप समझें कि लेस स्पाइसी था, लेकिन बुरा नहीं था, अच्छा था, बहुत मज़ा आया खाना खा के। इनके नान बहुत अच्छे थे, इनका ये सीख कबाब का जो प्लेटर था ये बहुत अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा ही हमने इंजॉय किया उस दिन। और बहुत अरसे बाद जो है हमारी फैमिली कहीं बाहर गई डाइन आउट करने के लिए, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम अकेले कहीं बाहर जाएं, लेकिन ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा कुछ प्लान बना, और चूंकि मैंने इन लोगों को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लेक्चर भी दिया था उस दिन मदर्स डे को लेके, तो इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा बच्चों को भी जो है ना वो सुकून देना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ इंजॉय करें और उन्हें मज़ा आए। और उस दिन बहुत बहुत अरसे बाद हमें बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त किस्म की हैदराबादी बिरयानी थी, और ये उन्होंने बड़ी अच्छी सी जो है वो एक देगची में सर्व की थी, वो जो कॉपर की हांडी होती है, तो काफ़ी देर तक जो है वो मिडल में से गर्म ही थी, जब भी आप चावल निकालते थे तो अंदर से गर्मा गर्म बिरयानी निकलती थी। ये भी टेस्ट में बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर था, और सुपर स्पाइसी नहीं थी, काफ़ी माइल्ड थी। तो अगर आप में से कोई लोग यहाँ GTA में रहते हैं और इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। और सबसे मज़े की बात यह कि इसके साथ उन्होंने मिर्चों का सालन भी सर्व किया था, जो कि हैदराबादी डिशेज में ज़रूर साथ में सर्व किया जाता है। और जी यहाँ पर आ गई हमारी ईरानी चाय, जिसके बारे में हमने बड़ा ही सुना था कि बड़ी स्पेशल और मज़ेदार किस्म की ईरानी चाय होती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये चाय, लेकिन बाकी हमारे जो घर वाले हैं उनको वो चाय अच्छी लगी। और हुसैन को तो जी ये माओ बिल्ली बड़ी पसंद आई ना, जो गाना गाते हुए आती थी और गाना गाते हुए जाती थी। रेस्टोरेंट में जो है वो नमाज़ पढ़ने का भी अहतमाम था, बड़ा अच्छा सा हॉल था, बैंक्वेट हॉल पीछे बना हुआ, वहाँ पे आप नमाज़ भी पढ़ सकते थे,
तो अगर आप कोई बड़ा फंक्शन करना चाहें तो भी ये रेस्टोरेंट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा प्राइसी ज़रूर था, लेकिन आपको पता ही है आजकल हर चीज़ ही महंगी है। तो बस जी, हमने खाया पिया, बहुत इंजॉय किया और हम इधर से निकले बाहर। और मीठा हमने वहाँ पे कोई भी ट्राई नहीं किया था, और सच्ची बात है कोई जगह भी नहीं थी मीठा खाने की। लेकिन जो छोटे दोनों बच्चे थे उन्हें बहुत इश्तियाक हो रहा था कि हमने कुछ मीठा ज़रूर खाना है, ज़रूर खाना है। तो फिर हम रास्ते में रुके और हमने उनके लिए आइसक्रीम ली, और वहाँ आइसक्रीम शॉप पे भी बड़े बड़े से केक मौजूद थे मदर्स डे को लेके। तो जाहिर है आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आप जहाँ देखते हैं वहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगती है। किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने का तरीका ही यही है कि उसके बारे में बहुत 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 एक्सपोजर हो जाए। तो बस जी, अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातों को नॉर्मलाइज़ करें और अच्छी वैल्यूज़ को जो है वो बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को नेक बनाए, हिदायत याफ्ता बनाए, और आपको तौफीक दे कि उनको आप अच्छे तरीके से पाल सकें, अच्छी तरबियत दे सकें, अपने फ़र्ज़ अदा कर सकें। और जो आपके घर में मदरली फिगर्स हैं उनके लिए आप हमेशा मौजूद रहें, उनकी खिदमत करें और उनकी ढेरों ढेर दुआएँ वसूल करें। और अल्लाह ताला सारी दुआएं आपके हक़ में कबूल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें लोगों को आसानियां दें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिटर्न में बहुत बहुत आसानी देंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।